स्टूडेंट्स हम एक ऐसा लॉ डिस्कस करने लगे हैं जो कि बताता है कि सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है इस लॉ को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स राउल्स लॉ राउल्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन द सोल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलवेंट यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से यानी कि इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है विद द कंसनट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा हम देखते हैं मैथमेटिकली हम इसको कैसे डील करते हैं मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम इसको कुछ ऐसे डील कर रहे होते हैं कि P इज़ इक्ल्स टू अगर हम ये कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोशनैलिटी हटाएं तो हमारे पास आ जाता है पी नाट इन टू एक्स वन पी नॉट स्टूडेंट्स क्या है पी नाट हमारे पास होगा वेपर प्रेशर ऑफ़ प्योर सॉल्वेंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं एज अ रिजल्ट एक सॉल्यूशन बनता है तो उसके नतीजे में यह होता है कि जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट वर्जन प्योर सॉल्वेंट से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है यानी कि कम वेपर्स फ्रॉम द सर्फेस सरफ़ेस छोड़ के एटमोसफेयर में जाते हैं और उसकी मेन बेसिक रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि इंटरेक्शन जनरेट हो जाते हैं बिटवीन द सोल्यूट एंड दैट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन बनाते हैं स्पेसिफिक किस्म के इंटरेक्शन जब बनते हैं तो सरफेस के ऊपर सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस जो है वो कम हो जाती है जब वो प्रेजेंस कम हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ जब वो सॉल्वेंट की फॉर्म में हुआ करते थे जब वो प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में हुआ करते थे तो एटमॉस्फेयर में स्केप हो जाते थे एनर्जीज इंट्रेक्शन लूज करके अब सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से सोल्यूट उनको सरफेस पर ही नहीं जाने देता जिसकी वजह से वो एटमोसफेयर में स्केप आउट भी नहीं होते यानी कि सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से आपका जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है मैथमेटिकली इसको देखते हैं अब स्टूडेंट्स हमें याद अच्छी तरह कि एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वस टू वन यानी कि आपके पास जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन वन के इक्वल होता है जब हम इनको ऐड कर रहे होते हैं एक्स वन की वैल्यू हम निकालते हैं एक्स वन इज इक्वस टू वन माइनस एक्स टू ये देखने के लिए कि ये सोल्यूट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है यानी कि हमने सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करना है अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे पी इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स वन इंटू वन माइनस एक्स टू तो ये कैसे स्टूडेंट्स चेंज होगा हम मल्टीप्लाई कर देंगे पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स टू अब इसको स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे होंगे कि इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे

एक्स टू यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद दैट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इसी तरह स्टूडेंट्स एक और तरह से हम राउल्स लॉ को डिफाइन करते हैं रेलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ डूट सोल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दैट डायल्यूट सोल्यूशन रेलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपके पास कहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया वो यहाँ से आया क्या आपने कहा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल है विद डैट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनकी प्रोडक्ट के इक्वल है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लेकिन जब हम इस पी नॉट को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो आपके पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं रेलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि स्टूडेंट्स इन अदर वर्ड्स यानी कि सोल्यूशन के वेपर प्रेशर कम होने की रीज़न आपके पास सोल्यूट है विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट उसके अलावा स्टूडेंट्स जो राउल्ट्स लॉ है इसकी वजह से कुछ कॉन्सेप्ट्स जनरेट होते हैं वो ये के राउल्स लॉ आइडियल सोल्यूशंस ओबे कर रहे होते हैं अब आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जो कि राउल्स लॉ की तरफ चलेंगे राउल्स लॉ ये कहेगा के सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जब हम उन्हें मिक्स कर दें तब भी वैसे ही रहते हैं यानी कि देर इज़ नो हीट चेंज वेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स टूगेदर टू फॉर्म सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये राउल्स लॉ कहता है आइडियल सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करते जिस तरह आइडियल गैसेज एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन स्टूडेंट्स कुछ कंडीशन राउुल्स लॉ की ऐसी हैं कि जिनको अगर हम मद्देनजर रखें तो उसकी बेस पे हम रियल सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस की फॉर्म में डील कर सकते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स राउट्स लॉ इज फॉर आइडियल सॉल्यूशंस ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स यानी कि जब हम आइडियलिटी की बात कर रहे होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के अंदर तो हम ये कह रहे होते हैं कि किस तरह से दो वोलेटाइल लिक्विड्स वोलेटाइल कंपाउंडस कौन से होते हैं वोलेटाइल सब्सटांस स्टूडेंट्स कौन से होते हैं वो सब्सटांसिस होते हैं जो कि आपके जिनके अंदर टेंडेंसी होती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं तो हम राउुल्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स यानी कि दो वोलेटाइल लिक्विड्स के साथ डील कर रहे होते हैं और उन दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के स्टूडेंट्स जो इंटरेक्शन होते हैं वो इंडिविजुअली भी सेम होते हैं एज कम्पेयर टू दैट उनके सोल्यूशन में भी सेम होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं तो कैसे होती है उसकी एक विजुअल डिपिक्शन आपको नज़र आ रही होगी डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ सरफेस सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिक्रीजिज द रेट ऑफ एवेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सरफेस सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ एवेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाती है जैसे कि आप अपने सामने डायग्राम के अंदर देख सकते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर टेन पॉइंट ट्वेल्व से वट आर ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन इन सोल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज पॉइंट सिक्स आपके पास स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी को लिख देते हैं ये पॉइंट सिक्स है व्हाट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है ऑफ़ दैट ऑफ बेंजीन तो आपके पास टाउलिन का नहीं है आपको टाउलिन का नहीं पता तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और टाउलिन को जब आप ऐड कर रहे होंगे तो वो वन के इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे कि टाउलिन का निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन हम क्या कर रहे होंगे कि एक्स बी को हम इस साइड पे ले जाएंगे वन में से कर देंगे माइनस वन माइनस पॉइंट सिक्स तो आपके पास टाउलिन के लिए आंसर आ जाएगा पॉइंट फोर अब क्या कर रहे होंगे वट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज नाइन्टी फाइव पॉइंट वन मिली मरकरी एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टाउलीन इज टू ट्वेंटी एट पॉइंट फोर मिली मरकरी एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐसे हो रहा होगा कि आप वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू p नाट x आपके पास जो सॉल्वेंट है उसका आपके पास है वेपर प्रेशर वो आपको गिवन है आप क्या करेंगे कि उसको जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे प्योर कंपोनेंट्स का आपको गिवन है आपने क्या करना है टोटल कैलकुलेट करना है ये आपके पास वेपर प्रेशर आ गया अब आप एज़ अ रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन आपने कैलकुलेशंस करनी है क्या करेंगे सबसे पहले पी फॉर बेंजीन कैलकुलेट करेंगे बेंजीन दैट ऑफ पी नॉट अब बेनजीन के लिए वैल्यू है आपके पास प्योर बेंजीन के लिए वैल्यू है आपके पास नाइन नाइन्टी आपके पास बेंजीन के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है पॉइंट सिक्स विच विल बी इक्वल टू अबाउट नाइन्टी फाइव पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट सिक्स विल बी इक्वल टू फिफ्टी सेवन पॉइंट जीरो सिक्स फिफ्टी सेवन पॉइंट जीरो सिक्स मरकरी ऑफ मरकरी देन आप कैलकुलेट करेंगे टाउलिन के लिए टू ट्वेंटी एट पॉइंट फोर मरकरी इंटू जीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट फोर इट विल बी इक्वल टू 11.36 पॉइंट थ्री सिक्स एलेवन पॉइंट थ्री सिक्स मरकरी देन स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि 11.36 मिलीमीटर मरकरी हो गया आपके पास अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है टोटल टोटल वेपर प्रेशर दोनों को आप ऐड कर देंगे 57.06 पॉइंट ज़ीरो सिक्स प्लस एलेवन पॉइंट थ्री सिक्स बी इक्वल टू फिफ्टी सेवन पॉइंट ज़ीरो सिक्स प्लस एलेवन पॉइंट थ्री सिक्स सिक्सटी एट पॉइंट फोर टू फोर टू मिनीमीटर ऑफ मरकरी तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया थैंक यू